तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, द 100 लीग का मैच नंबर 23 जो होने वाला है मैनचेस्टर वर्सेस लंदन के बीच में। जी हाँ, एक ओर फिल सॉल्ट, वहीं दूसरी ओर डेन लॉरेंस। इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम टॉस को जीत सकती है, कौन सी टीम मैच को जीत सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी भविष्यवाणी क्या है, और साथ ही मैच का पूरा प्रिडिक्शन इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन यदि आप तब तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम के लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फटाफट जाइए टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे कि आपको जैकपॉट एंट्री, ट्रेडिंग सेशन, कब एंट्री करे, कब लॉस कट करे, कब बुक सेट करे, सब कुछ फ्री में मिल जाती है। और फाइनल जो ड्रीम इलेवन टीम है, जो फैंटेसी टीम है, वो भी टेलीग्राम पे फ्री में मिल जाती है। तो फटाफट जाना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिंक देके रखा हूँ। चलिए बात करते हैं मैच में पिच रिपोर्ट की। लॉर्ड्स में ये मैच होने वाला है, जहाँ पे कि द 100 के स्टार्ट इस प्रकार से है कि 13 मैचेस हुए हैं इस पिच में, जहाँ पे कि 7 में जीत मिली है बैटिंग फर्स्ट को, तो वहीं 6 में जीत मिली है बैटिंग सेकंड को। बात करते हैं एवरेज स्कोर की, तो यहाँ 134 का एवरेज स्कोर है। साथ ही यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस की बात करते हैं तो 72 विकेट मिले हैं पेसर को, तो 52 विकेट मिले हैं स्पिनर को। तो पेसर यहाँ पे अधिक विकेट निकालते हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर। और यदि बात करते हैं पिच में और डिटेल में, तो हाई स्कोर यहाँ का 195 है। जी हाँ, यहाँ पे एक्चुअली मैचेस जो होते हैं वो हाई स्कोरिंग होते हैं और 195 यहाँ का हाई स्कोर बना हुआ है। लोएस्ट टोटल 94 है और हाईएस्ट चेज 140 है। 140 के ऊपर चेज नहीं हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ पे चेज होना मुश्किल है। और मेरे अकॉर्डिंग आज भी बैटिंग फर्स्ट जो टीम करती है वो मैच को जीत सकती है। लोएस्ट डिफेंड हुआ है 160 का। अब आगे चल के बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। 3 मैच हुए हैं मैनचेस्टर और लंदन के बीच, 2 में जीत मिली है लंदन को, वहीं 1 मैच में जीत मिली है मैनचेस्टर को। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों दोनों ही टीमों के स्क्वाड की और स्टार प्लेयर की। देखिए, वैसे तो मैनचेस्टर में जोस बटलर स्टार प्लेयर है, बट वो अभी खिलाड़ी खेल नहीं रहा है, तो यह फिल सॉल्ट बन जाते हैं स्टार प्लेयर। फिल सॉल्ट, सिकंदर रसा बट और साथ ही उसामा मीर इस टीम के स्टार प्लेयर है। बात करते हैं लंदन के, तो यहाँ तक आपको आंद्रे रसल, शिमरन हेटमायर, नाथन एलिस, डेन लॉरेंस और साथ ही यहाँ पे आर ग्लेसन और ओली पोप भी स्टार खिलाड़ी हम इसको कह सकते हैं। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉप परफॉर्मर की, लंदन स्पिरिट के टॉप प्लेयर कौन से हो सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ओली स्टोन, आंद्रे रसल, डेन लॉरेंस, ये खिलाड़ी आपको बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स लाके दे सकते हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी आंद्रे रसल स्पेशली आपको बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी पॉइंट्स दे सकता है। तो ये खिलाड़ी हो गए टॉप परफॉर्मर। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टीम मैनचेस्टर के, तो यहाँ पे आपको फिल सॉल्ट, अगर जोस बटलर आ गए तो जोस बटलर भी, और यहाँ पे सिकंदर सा बट, ये खिलाड़ी होगी हमारे दोनों ही टीमों के टॉप परफॉर्मर, जो कि बहुत सारे फैंटेसी पॉइंट्स आपको लाके देने वाले हैं। बट फिर भी जो फाइनल ड्रीम इलेवन टीम है वो टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगी। आगे चल के बात करते हैं दोस्तों एस्ट्रोलॉजी की। देखिए, जोस बटलर की वापसी हो सकती है, इसीलिए हमने जोस बटलर रखा एज ए कैप्टन के ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो डेट की बात करते हैं, 9 तारीख को मैच है और दिन रहने वाला है शुक्रवार का। दिन की पहले बात करते हैं, यहाँ पे लकी नंबर इनका मैनचेस्टर का 6 है और आज का लकी नंबर 9 है, तो पॉजिटिव पॉइंट। और इनका स्वामी शुक्र है, आज का स्वामी शुक्र है, अगेन पॉजिटिव पॉइंट। जोस बिल्डर की बात करते हैं, सनी स्वामी है, पॉजिटिव पॉइंट। लकी नंबर 8 है, नेगेटिव पॉइंट, यानी कि मैनचेस्टर के पास आज एक नेगेटिव है लेकिन 3 पॉजिटिव भी है। आगे चल के बात करते हैं स्पिरिट की, तो यहाँ पे इनका स्वामी है मंगल, नेगेटिव पॉइंट। लकी नंबर 5 जो है पॉजिटिव पॉइंट है। डेन लॉरेंस, चंद्रमा स्वामी, नेगेटिव पॉइंट। लकी नंबर 3 पॉजिटिव पॉइंट। लंदन के पास 2 पॉजिटिव है बट 2 नेगेटिव भी है, इट मींस कि जो टॉस की विनर है वो मिलने वाली है आपको टीम मैनचेस्टर की। आगे चल के बात करते हैं मैच प्रिडिक्शन की, तो मेरे अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आज आपको मैनचेस्टर की टीम विन करते हुए दिखाई दे सकती है। यदि आपने यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।